हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सब दा सवेर दीआं खबरां दे मुख एपीसोड दे विच। आओ गल करदे आं पंजाब दीआं मुख खबरां दी। इस वेले दी जो सब तों वड्डी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है जी, श्री हजूर साहिब तों वापस परते शरधालू पाए गए करोना पॉजिटिव। श्री हजूर साहिब तों वापस परते शरधालुआं दे विच करोना पाया गया है। तरन तारण दे 5 शरधालू करोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये 5 शरधालू सुर सिंघवाला दे रहण वाले हैं। इस दे नाल ही हुण मरीजां दी गिणती पंजाब दे विच वध के 327 हो चुकी है। अगली खबर जी, मोदी सरकार का सख्त फैसला, चीन वापस भेजिया जाएगियां खराब किटा। भारतीय मैडिकल रिसर्च परिषद ने सोमवार को राज्यों से 2 चीनी कंपनियों से खरीदी गई कोरोना रैपिड एंटीबॉडी जांच किट का इस्तेमाल रोकने और उन्हें वापस करने को कहा है, ताकि उन्होंने कंपनियों को वापस भेजा जा सके। सारे राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को सोमवार को भेजे मशवरे में ICMR ने कहा कि उसने इन किटों के प्रदर्शन का टेस्ट किया, जिस तों बाद डिसाइड किया गया कि यह किटा चीन में वापस भेजिया जाएगियां। अगली खबर जी, 2 गज दूरी मंत्र नाल लॉकडाउन तो निकलण दी वचनबद्ध योजना बनाए राज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दे के कहा कि करोना नाल नजिठण दे लई लॉकडाउन प्रभावशाली रहा है, पर देश की माली हालत नूं पटड़ी ते लियाउण लई राज्यां नूं 2 गज दूरी दे मंत्र नूं ध्यान विच रखदे होए इस तों बाहर निकलण दी वचनबद्ध योजना ते काम शुरू करना चाहीदा है। उन्होंने कहा कि माहरां दी राय है कि करोना दा खतरा फिलहाल खत्म होण वाला नहीं है, इसलिए समाजिक दूरी ते मास्क नूं अपनी जीवन शैली दा हिस्सा बनाउणा होवेगा ते माली हालत नूं पटड़ी ते लियाउण लई भी योजना बना के उसनूं अमल विच लियाउणा होवेगा। सूत्रों के अनुसार बैठक के 3 मई के बाद लगी पाबंदी को हटाने बारे कोई आम सहमति नहीं बन सकी, पर इस गल से आम राय थी कि देश की माली हालत को पटड़ी से लियाउण लई ग्रीन जोन यानी कि अजिहे खेतर जिथे करोना के मामले नहीं हैं अते हालात पूरी तरह काबू के विच हन, उत्थे पिछले 1 महीने तो भी ज़्यादा समय तो ठप पई गतिविधियां शुरू कर अगे वधण दे कदम चुके जाण। बैठक के 9 राज्यों के मुख्यमंत्री ने अपनी गल रखी। इन्हां दे विचों 4 ने पूर्णबंदी की म्याद 3 मई तो भी अगे वधाउण का सुझाव दिता है। अगली खबर दोस्तों, मनमोहन सिंह ने पंजाब नूं मुड़ सुरजीत करने लई रहनुमाई देने लई CM की बेनती स्वीकार की। पंजाब सरकार वालों सूबे नूं करोना उपरंत मुड़ बहाल करने की कोशिशों के चलदिआं नीति घड़न की दिशा के सोमवार को उस वेले पहला कदम चुकिया गया जदों मुनटेक सिंह आहलूवाली की अगवाई हेठ माहिरां दे ग्रुप ने 5 सब ग्रुप तैयार कर ले। इस तों इलावा साबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी सूबे की अर्थव्यवस्था से प्रगति को मुड़ बहाल कर ली अपनी रहनुमाई देने लई कैप्टन अमरिंदर सिंह की अपील नूं स्वीकार कर लिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक ट्वीट करके लिखा सी, पंजाब नूं करोना उपरंत आर्थिक विकास के रास्ते उत्ते अगे ले जाण लई सख्त मेहनत करांगे, इस ते दुबारा ध्यान केंद्रित करांगे। अगली खबर जी, करोना नाल जंग विच मिल रही कामयाबी, 22% तो ज़्यादा मरीज होए ठीक। 16 ज़िलों के पिछले 28 दिनों तो करोना का कोई केस सामने नहीं आया, जदों के 3 ज़िले अजे भी हैं जिथे कोई करोना केस ही नहीं आया। कह सकते हैं कि करोना नाल जंग विच साढ़े देश को कितने ना कितने कामयाबी मिल रही है। सेहत मंत्रालय के संयुक्त सकत्र लव अग्रवाल ने सोमवार को दसिया कि देश के करोना इन्फेक्शन के 1463 नवे मामले सामने आने के नाल इन्फेक्टों की गिणती 28,000 के पार पहुँच गई, 60 लोगों की जान चली गई, जिस दे नाल मौतों का अंकड़ा 886 हो गया है। अगली खबर जी, CM वालों खरीद कार्यों का जायजा लैण दी मंडियां दा दौरा कर लई 6 IAS अधिकारी तैनात। पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वख-वख जिलों दे विच मंडियां दा दौरा करके खरीद कार्यों का जायजा लैण लई 6 IAS अधिकारियों नूं तैनात किया है, जो कि 30 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट सौंपणगे। एक सरकारी बुलारे के मुताबिक अधिकारी हाड़ी के मंडीकरण सीजन 2020-21 के दौरान चल रहे खरीद कार्यों का जमीन पद्धर से जाके पता लाने की 28 से 29 अप्रैल तक वख-वख जिलों का दौरा करेंगे। अगली खबर जी, CM ने बिजली मंत्रालय नूं PSPCL पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड नूं अदायगियां दे भार मुक्त करने लई कहा। बिजली खरीद समझौतियां दे तहत करोना संकट के मद्देनज़र लगाए लॉकडाउन नूं अणकियासे हालात दसदिआं पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को केंद्रीय बिजली मंत्रालय नूं अपील की है कि PSPCL नूं समर्था खर्चों की अदायगी दे भार तों मुक्त करे। उन्होंने दस्सिया कि करोना संकट के कारण सूबे दे विच बिजली की मांग घट गई है।
अगली खबर जी, दो सीएम नू छड़ के बाकी सारे सीएम्स ने पीएम मोदी नू दिता लॉकडाउन खत्म करन दा सुझाव। कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही एक बार फिर मुख्यमंत्रियों नाल लॉकडाउन नू लैके चर्चा की। इस दौरान हिमाचल प्रदेश ते मेघालय नू छड़ के सारे राज्यों ने लॉकडाउन खत्म करन दी सलाह दी है। कोरोना कारण लागू किए लॉकडाउन दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की अज मुख्यमंत्री नाल तीजी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सी। मीडिया विच तीन मुद्दों उत्ते चर्चा की गई। एक तो राज्यों में कोरोना की लाग फैलण की मौजूदा स्थिति के रोकथाम लिए किए जा रहे जतन, दूजे 20 अप्रैल को गृह मंत्रालय वालों दित्तियां कुछ छूटां लागू कारण बारे राज्यों की फीडबैक, तीजे 3 मई तो बाद लॉकडाउन बारे की रणनीति होगी। इस मीटिंग दे विच पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेश दे श्री आदित्यनाथ योगी, मध्य प्रदेश दे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ते केरल दे मुख्यमंत्री पी विजयन समेत राज्यां दे मुख्यमंत्रियों ने भी मीटिंग दे विच भाग लिया। अगली खबर जी, जलंधर तो आउण वाले नैशनल हाईवे लिंक रोड पूरी तरह नाल सील। जिला मैजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर श्रीमती अपनीत रियात ने फौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्राप्त हुए अधिकारों की वरतों करदे जिला हुशियारपुर के कोरोना के माड़े प्रभाव की रोकथाम लिए जिला जलंधर तो आने वाली पब्लिक से पूर्ण तौर पर पाबंदी लगा दी है। जारी किए हुक्म में जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि जलंधर तो आने वाले नैशनल हाईवे लिंक रोड सील किए जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को जिला जलंधर तो हुशियारपुर जिले में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी, तो ना ही किसी होर जिले राही इस जिले में आने की इजाजत होगी। अगली खबर जी, पंजाब विचों पहले स्थान पर आया गुरदासपुर का सिविल हस्पताल। पंजाब सरकार ने सूबे के सरकारी हस्पतालों के अंदर मरीजों की सेहत संभाल साफ सफाई समेत कई मामले में लैके करवाए जाते कायाकल्प सर्वे में जिला गुरदासपुर के सिविल हस्पताल ने पंजाब विचों पहला स्थान हासिल किया है। अगली खबर जी, अगले 2 दिन तेज हवा ते गरज नाल मींह दी संभावना। पंजाब सने पश्चिमी उत्तर खेतर विच पिछले 24 घंटिया विच किते किते तेज हवा दे नाल मींह पिया अते अगले 2 दिन किते किते बिजली लिशकण अते गड़ेमारी होवेगी। शिमला विच बिजली डिगण दे नाल नाल मींह पिया ते गड़ेमारी कारण किसानां ते बागवानां नूं नुकसान होया। शिमला जिले दे उचाई वाले इलाकियां दे विच वी गड़ेमारी होई ते हेठले इलाकियां दे विच वी मींह पिया। मीह गड़ेमारी के कारण कणक अंब सेब मटर आदि की फसल को भारी नुकसान होया है। अगली खबर जी, निहंगा वालों किए हमले में जख्मी हुए हरजीत सिंह बारे मुख्यमंत्री ने सुनाई चंगी खबर। पटियाला दे विच कथित निहंगा वालों हथ वे जाने बाद चंडीगढ़ पीजीआई में जेरे इलाज ASI हरजीत सिंह बारे अहम और चंगी खबर सामने आई है। हरजीत सिंह की सेहत में तेजी नाल सुधार हो रहा है, हुण उन्होंने हाथ ने भी हिलजुल करनी शुरू कर दी। इस संबंधी जानकारी देंदे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स से दसिया कि हरजीत सिंह के हाथ की सर्जरी होए नूं 2 हफ्ते हो चुके हैं, इस गल की खुशी है कि हुण तंदुरुस्त हो गए हैं। इस दे नाल ही मुख्यमंत्री ने दसिया कि हरजीत सिंह के हाथ ने भी हुण काम करना शुरू कर दिता है। अगली खबर जी, डोनल्ड ट्रंप का पारा होया हाई, मीडिया से जम के कड़ी भड़ास। US के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने ऐतवार को अपने कम अते रूस की जांच कवरेज लई अमरीकी न्यूजी मीडिया नू जम के झाड़ पाई। उन्होंने एक तो बाद एक ट्वीट करके अपना गुस्सा कढ़िया। ट्रंप ने कहा कि वह सवेर तो दिन रात काम कर रहे हैं, जिहे महीनों के विच वह वाइट हाउस नू भी नहीं छड्डिया है। अपने ट्वीट के उन्होंने कहा कि यह भी कहा कि लोग उन्होंने सब तो मेहनती राष्ट्रपति कहते हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने शायद अपने पहले कार्यकाल में देश के इतिहास में किसी भी होर राष्ट्रपति नालों वधेरे काम किया है। नाल ही उन्होंने कहा कि उन्होंने फैल रही झूठिया खबरों तो खासी नफरत है। अगली खबर जी, सऊदी अरब ने ले 2 इतिहासिक फैसले, दुनिया भर के हो रही है तारीफ। सऊदी अरब ने नाबालिग अपराधा लई मौत की सज़ा खत्म करने का इतिहासिक फैसला लिया है। सऊदी अरब में शनिवार को जनतक तौर पर कोरड़े मारन की सज़ा नूं भी खत्म कर दिया गया सी। मनुखी अधिकारों बारे सऊदी अरब का रिकॉर्ड बहुत माड़ा रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों तों सऊदी क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान राज दे अक्स नूं बेहतर बनाउण लई सुधारवादी कदम लगातार चुक रहे हैं। सऊदी अरब के शाही फरमान का जिक्र करदे मनुखी अधिकार कमिश्नर ने चेयरमैन अवद अलवाड ने एक बयान जारी किया कि सिर्फ उन्हां लोकां नूं मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी जिन्होंने नाबालिग होंदिया अपराध किए हैं। अगली खबर जी, राजस्थान में 3 मई तो बाद भी नहीं रही राहत।
ਸੀਐਮ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਗਹਿਲੋਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। 3 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹਟੇਗਾ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਨ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਦਾ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨਵੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।